जब भी संसद सत्र चलता है तो आपने देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर के पास में दो लोग खड़े रहते हैं जो स्पीकर की सदन की कार्यवाही करने में मदद करते हैं। स्पीकर को टाइम टाइम पर कुछ दस्तावेज देते रहते हैं जिन्हें मार्शल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन मार्शल का रिक्रूटमेंट कैसे होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है? ऐसे में आज जानते हैं संसद के मार्शल के बारे में जिनका सदन की कार्यवाही में अहम योगदान होता है। बात करते हैं कि आखिर मार्शल की नियुक्ति कैसे होती है। वैसे मार्शल की नियुक्ति सीधे भर्ती के जरिए नहीं होती और ना ही इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं। संसद में काम कर रहे अधिकारियों को प्रमोशन के आधार पर मार्शल बनाया जाता है। ये सुरक्षा विभाग के ऑफिसर होते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर डेप्टी डायरेक्टर पद के ऑफिसर्स को इसके लिए नियुक्त किया जाता है। इस पद के लिए पहले काम करने का अनुभव होना जरूरी है जिसके बाद रिक्रूटमेंट होता है। स्पीकर के बाएं ओर खड़ा व्यक्ति मार्शल होता है और दूसरा व्यक्ति डिप्टी मार्शल। अगर इनके काम की बात करें तो इनकी काफ़ी टफ जॉब मानी जाती है। दरअसल जब भी सदन चलता है तो पूरे वक्त स्पीकर के साथ रहते हैं और सदन की कार्यवाही में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ खास मौक़ों पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर का एस्कॉर्ट करने का काम भी करते हैं। मार्शल सिक्योरिटी फोर्स से आते हैं। ऐसे में सदन में स्पीकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मार्शल की ही होती है। सदन में एक तरह से मार्शल स्पीकर के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं और पूरी तरह से काम में मदद करते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भी वे कई तरह की जानकारी स्पीकर को देते हैं। इसके अलावा वोटिंग के दौरान भी इनका काफी काम होता है। चलिए अब जानते हैं मार्शल की सैलरी कितनी होती है। ये ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं और लेवल के हिसाब से इनका पद लेवल 11 लेवल 12 के बीच आता है। राज्यसभा की आधिकारिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी सैलरी 15,639,100 प्लस 5,400 लेवल पर आधारित होती है। वहीं सैलरी हर मार्शल के अनुभव और प्रमोशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।